ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੇਟ ਫੜਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵੇ ਕੋਣ ਆਵੇ ਕਰੇ ਫੋਨ ਫੋਨ ਕਰੇ ਆਵੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਚਾਰ ਗੇੜਾ ਸਾ ਜੀ ਗੇਟ ਫੜਿਆ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ सारे कांग्रेसी के वरिष्ठ नेतागण बड़े दुख की घड़ी है कि इस सरकार ने हमारे जो देश की रक्षा करने वाले फौजियों को खाना शुरू कर दिया है, उसको जो चीन बॉर्डर में हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा जल्दी देने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। इनकी श्रद्धा जल्दी देने के लिए एक मिनट का मौन रखेंगे और उसके बाद सारे अपने अपनी श्रद्धा जल्दी देंगे। फूल करना पड़े फूल सारे इसे करते हैं बाकी हो ये बहुत ही कुछ दिन पहले जो वहाँ गालवान घाटी में बड़ी दुखद घटना हुई और हमारे कर्नल बाबू जी में जो भी हमारे सैनिक उसमें बड़ी क्रूरता से चीनी फौज ने वो मारे तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सारे देश को बड़ा अपार दुख हुआ, बहुत ही दुखी हुआ सारा देश इस घटना से। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये घटना क्योंकि चीन की फौज की जो मूवमेंट है वो अप्रैल में ही शुरू होगी, अप्रैल में ही वो उनके जो सैनिक आने शुरू जुड़ने शुरू हो गए थे और हमारी सरकार ने थोड़ा विश्वास कर लिया चाइना पे और चाइना जो है एक धोखेबाज मुल्क है, हमेशा धोखा देता है, धोखा देता आया है तो हमारी सरकार को विश्वास हो गया भी बातचीत के जरिए ये समस्या हल हो जाएगी। पर चाइना हमेशा ही जो वो कहते हैं वो करते नहीं, तो इन पे विश्वास करके ये नुकसान हमारे सैनिकों का हुआ। मैं ये समझता हूँ कि एक तो जैसे ही उनकी फौज आनी शुरू हुई अप्रैल में, उस टाइम ये मसला घटना पहले हुई थी, हमारी सरकार ने ये समझ लिया भाई जैसे डॉकलैम में हमने फौज भेज दी और वो अपना चलो बाद वहाँ तनाव कई दिन रहा पर वो जो चिकन नेक जो एरिया था भूटान का पर उस पर चलो वो कब्जा नहीं कर पाए। मैं ये फील करता हूँ मैं डॉकलैम जैसी घटना ने वो एक झूठा विश्वास पैदा कर दिया भाई ये फिर भी दोबारा भी हमारी फौज जाएगी तो ये कोई ऐसी नुकसान या कोई घटना नहीं होगी। पर चाइना की शुरू से ही जब से वो तिब्बत का एरिया उन्होंने तिब्बत में कब्जा किया फिर अक्साइटिन वगैरह पे किया, शुरू से ही उनकी जो नज़र है वो लद्दाख पे रही, लद्दाख के एरिया पे रही है, वहीं से ही काराकोरम पास निकलता है, बहुत ही अहम इलाका है और वो चाइना के अगेंस्ट भी और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी वो जो एरिया है बड़ा अहम है तो उसकी हमेशा ही नज़र उसकी चाइना की इस एरिया पे रही है। और
हमारी सरकार विश्वास करके बैठ गई भी डॉकलैम में भी तो चलो स्टैंड ऑफ रहा और बाद में वो चलो ख़त्म हुआ। भाई ये कुछ एग्रीमेंट भी हुए हुए थे, पर चाइना एग्रीमेंट्स को क्या जानता है, चाइना को एग्रीमेंट्स को नहीं जानता। तो इन पे जिसने भी विश्वास किया वो तो फिर आगे नुकसान उठाया। और मैं हमारे जो जवान हैं कर्नल साहब और जवानों को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने एग्रीमेंट के हिसाब से हथियार तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, पर चाइना ने ठीक है फायर आर्म तो नहीं उन्होंने इस्तेमाल की, पर वो फायर आर्म से भी खतरनाक जो उन्होंने बनवाए वो लोहे के बैट और सीमेंट के बैट, एक वो पूरी तैयारी करके आए भी हमने नुकसान करना है इनकी फौज का और इनमें दहशत फैलानी है, इनमें दहशत फैलानी है और अपने पांव फैलाने हैं यहाँ। अब एक जगह बातचीत वो कर रहे हैं पर वो दूसरी जगह से नहीं हटे, अभी पेंटागन लेक जो है उससे नहीं हटे हैं, उनका कोई पता नहीं वो कहते कुछ है कर, भारी दुख है। पर जो जिन वीरता से हमारे कर्नल साहब और साथियों ने उनका मुकाबला किया, तीन गुना ज्यादा थे चाइनीज, तीन गुना परवाह नहीं की इन्होंने, पर वो अपनी उन्होंने ऐसे उनकी जो पोस्ट वगैरह वहां नहीं बनने दी, पोस्ट नहीं बनने दी, तो बेमिसाल वीरता का जो इन्होंने वो पेश किया। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर हमारी गवर्नमेंट सतर्क होती